ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को बताओ क्या, लास्ट एपिसोड में माइकल अपनी किडनैप फैमिली को उन किडनैपर से छुड़ा कर तो ले आया था ट्रेवर की हेल्प से, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि जो पैसा हमने उन्हें दिया था $30 million, वो सारा का सारा उस घर में था। और भाई घर को आग लगाने का ऑर्डर दे दिया था और घर पूरा जला, तो पैसा भी वहीं पर सारा का सारा राख हो गया। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मतलब ये चीज़ तो ध्यान नहीं आई। बट अच्छी बात ये है कि यार फैमिली आ गई, फैमिली से महंगा कुछ भी नहीं है, पैसा दोबारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब माइकल जो है पूरा गरीब हो गया है। अभी यहाँ पर आपको ना कुछ अजीब सा ही साउंड वाउंड भी आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, अभी बाहर का पूरा एनवायरनमेंट दिखाता हूँ क्या सीन हो चुका है। तो पहले मैं बताता हूँ कि अभी बिल्कुल एकदम गरीब हो चुका है माइकल, लेकिन अभी अपने पास अमीर बनने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया बचा हुआ है। तो आपको याद होगा हमने उनकी 5 सुपर कार्स भी चुराई थी, तो उन 5 कारों का प्राइस भाई इतना ज़्यादा है ना कि मतलब यार मिलियनर बन सकता है कोई भी बंदा। तो यहां पर पहले मैं आपको एक घर दिखा देता हूं। तो आज मैं बताता हूं हमें करना क्या है। तो मैंने आज ही प्लान बनाया, तो अभी मैं जा रहा हूं फ्रैंकलिन के साथ जाऊंगा मैं PDM यानी प्रीमियम डोलक्स मोटर स्पोर्ट। वहां पर हम अपनी 2 गाड़ियां बेच देंगे। तो मैंने सोचा मैकलैरन बेच दूं या फिर फरारी बेच दूं, इनमें से कोई अभी वहां पर चलकर डिसाइड करते हैं। तो गाइस अभी माइकल के पास सिर्फ और सिर्फ $1500 है, और भाई माइकल ने पूरा का पूरा घर जो है रिपेयर करवा दिया। वर्कर्स को बुला के काफी सारे वर्कर आए और 2 ही दिन में इन्होंने घर रिपेयर कर दिया है। और जो माइकल की फैमिली है ना, वो इस टाइम हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोट आ गई थी। तो शायद से 3-4 दिन बाद ही हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिलेगी और वो लोग घर पर आएंगे। तब तक जो है मुझे घर पूरा रिपेयर करवा कर रखना पड़ेगा, वरना यार बहुत गलत सीन हो जाएगा। अब यहाँ पर इन लोगों ने घर रिपेयर कराया, इनको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो यार पैसों का जुगाड़ आज में हमें करना ही करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेचारे सारे वर्कर जो है लगे हुए हैं अपना काम में, और यहाँ पर भाई मतलब कि बहुत तगड़ा खर्चा बैठ गया घर को रिपेयर करवाने में और इस गाड़ी को रिपेयर करवाने में। मतलब कि भाई $7 लाख तो सिर्फ लैम्बोर्गिनी में ही चला गया, बाकी घर के तो 3-4 लाख डॉलर में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यार गाड़ी का जो है इंजन ही फूट गया था, तो गाड़ी में दूसरा इंजन लगा है। और ये भाई साहब जी गेट को रिपेयर कर रहे, तो भैया प्लीज यार ढंग से करना, एकदम पूरा परफेक्ट काम कर रहा है एकदम बारीकी में। तो अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और मुझे बुगाटी भी रिपेयर करवानी है, लेकिन ये हो नहीं सकती, बहुत बुरी हालत हो गई। लेकिन अकेला बंदा लगा हुआ है, कह रहा मैं कर दूंगा, मैं मैकेनिक अच्छा हूं, तो मैंने कहा कर दे भाई। अब यहाँ पर बाकी सब गार्डन वार्डन पूरा प्रॉपर करवा रहा हूँ, लेकिन यार इनको पैसा देना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले यार मैं टैक्सी बुला लेता हूँ, क्योंकि यार अभी जाने वाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं है। किसी की गाड़ी चुराऊंगा तो मैं नहीं चाहता मुझे पुलिस पकड़े। तो सिंपल मैं एक कैब बुक कर लेता हूँ, फटाफट से कैब वैब आ जाए। तो चलते हैं फ्रैंकलिन के घर पे, फ्रैंकलिन वहाँ पर मेरा वेट कर रहा है। तो अभी हम 2 गाड़ियाँ जाने हैं। ओके, तो कैब वाले ने कॉल उठा लिया, 1 मिनट जल्दी से आ जाओ भाई। तो ओके गाइस अभी कैब वाला आ रहा है, हम जाएंगे सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। वहाँ पर 2 गाड़ियाँ जो है निकाल कर उसने रखी है, पता नहीं कौन सी बेचनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने सोचा है कि यार $12 लाख में कोई भी 2 गाड़ी जो है निपटा देंगे। बाकी गाड़ियाँ तो बहुत महंगी है, लेकिन यार हम ब्लैक में बेच रहे हैं ना, विदाउट पेपर्स, मतलब सिर्फ कार है, तो यार वो बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो टैक्सी वाला भी आ गया। अरे यार भैया बड़ी देर लगा दी यार तुमने, मतलब क्या यार इतना फालतू टाइम थोड़ी हम पे। अरे रुको, चलो यार बैठते हैं फटाफट से गाड़ी में। अब यहाँ पर ये जल्दी से छोड़ दे, पता नहीं धीरे चलाएगा तेज चलाएगा। रुक जाओ मैं अपनी लोकेशन बता दूँ इसे। तो मेरे को जाना है फ्रैंकलिन के घर पर, चलो ओके। वाइनवुड हिल्स मैंने इसे बता दिया, अभी मेरे को फ्रैंकलिन के घर पर छोड़ देगा फटाफट से। अबे यार टैक्सी वैक्सी में जाने का ना यही दिमाग खराब होता है, बिल्कुल रेड लाइट पर रुकना पड़ता है। बाकी अपनी गाड़ी हो तो पूरा भगाओ, लेकिन अभी मैं चाहता ना किसी की गाड़ी चुरा कर भी जा सकता है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गरीबी है ना, पुलिस वालों ने भी पकड़ लिया, बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो मैं कुछ पंगा नहीं जाता, $1500 पड़े हैं, इसको दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया जल्दी चला लो यार, तुम तो एकदम ऐसे जाओ। ओ भाई कितनी धीरे चला रहा है ये, तो ये भाई साहब जी इतनी धीरे गाड़ी चला रहे हैं ना, मैं लैम्बोर्गिनी चलाता, मेरे को गाड़ी चलाने की नहीं गाड़ी उड़ाने की आदत है। लेकिन भाई साहब इसकी गाड़ी में बैठ के भाई मैं बता रहा हूँ मैं सो जाऊँगा यहाँ पर बैठे बैठे, जल्दी से छोड़ दे भाई। तो ओके गाइस इसने हमें भाई साहब पूरे 3-4 करोड़ साल बाद यहाँ पर जो है छोड़ दिया और अपना निकल गया। और यहाँ पर फ्रैंकलिन भी हमारा वेट ही कर रहा था, चल भाई फ्रैंकलिन अब साथ में चल ले। तो ओके गाइस अभी मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया कि यार वो निसान GTR लेकर फटाफट से PDM पहुँचे, मैं भी आ रहा हूँ उसके साथ ही में। क्योंकि यार भाई अब दोनों गाड़ी के लिए एक ट्रेलर तो मंगाएंगे नहीं, मतलब कि सिर्फ 2 कार के लिए कौन मंगाएगा यार पूरा ट्रेलर, 6-6 गाड़ी रखने वाला। तो यहाँ पर मैंने बोला फ्रैंकलिन भैया एक तू लेकर चल, एक मैं लेकर चलूंगा, बस आराम से चलाइयो भाई। फ्रैंकलिन ठोक के मत, बहुत महंगी कार है, अगर ठुक गई तो खर्चा बैठ जाएगा बहुत गदर वाला, या फिर गाड़ी सस्ते में बिकेगी, कुछ भी हो सकता है। बस ये आराम से चलाए, मैं भी आराम से चलाऊंगा, क्योंकि इस टाइम ने यार गाड़ी ठोकनी नहीं है, क्योंकि गाड़ी ठोकी तो गाड़ी की जो कंडीशन है वो खराब होगी और गाड़ी जो है सस्ते में बिकेगी। तो फ्रैंकलिन बस मेरे आगे आगे चल रहा है, मैं इसके पीछे पीछे चलूंगा। और यार इतना भी धीरे नहीं चलना, बाकी वैसे फ्रैंकलिन ना काफ़ी सही चलाने लग गया, उसे मैंने समझा दिया था कि भैया आराम से चलाइयो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। गाड़ी जो है हमारे को पूरी की पूरी 12 लाख। ओ भाई ये देखो इसको देखो तुम, अच्छा हुआ स्क्रैच नहीं आया, हल्की सी ठोकर हुई है बिल्कुल, मतलब हवा जैसी, बाकी कोई तगड़ा स्क्रैच आया नहीं। अब बस हमें जल्दी से PDM पहुंचना है, तो मैं आगे निकल रहा हूँ, फ्रैंकलिन को आने देते हैं। फ्रैंकलिन कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा है। तो ओके गाइस जो PDM की शॉप है वो बिल्कुल जस्ट आगे ही है, और फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से ना रेड लाइट पर रुक रहा है वो, कोई दिक्कत की बात नहीं, रुकने देते हैं। अभी हम पहुंच जाते हैं PDM पर, मैं भी रुक जाता हूँ आगे वाली रेड लाइट पर, जब तक फ्रैंकलिन आएगा उसका वेट कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ पर रहेगा फ्रैंकलिन,
लग रहा है वो पीछे वाली रेड लाइट पे रुका हुआ था। ओके ओके आगे आ गया भाई साहब, पूरा रॉन्ग वे होकर आ रहा है भाई, चलान वलान मत कटवा दियो। ओके तो चलो फ्रैंकलिन भी जो है यहाँ पर आ गया, अभी हमें आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है शायद पीडीएम के लिए। ओके ओके लेफ्ट ही लेना है, बाकी अभी फटाफट भगा लेते हैं। काफ़ी सही एरिया सामने ही पीडीएम है, पहुँच ही गए लगभग हम। बस यहाँ पर ना फ्रैंकलिन ने ठोकी तो नहीं है भाई गाड़ी, बिल्कुल एकदम प्रॉपर कंडीशन में ले आया। बाकी हमारा यही सीन था कि गाड़ी जो है ठुकनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, बात कर लेता हूँ मैनेजर से कि कितने रुपये लोगे कि भैया हमारी गाड़ी बिक जाए। तो ओके फ्रैंकलिन भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका है, तो भाई गाड़ी यहीं पर लगानी है। यहाँ पर हमें प्राइस पता चल जाएगी कितने की गाड़ी बिकेगी कितने की नहीं बिकेगी। अभी यहाँ पर हमें बस मैनेजर से बात पर करनी पड़ेगी। तो रुक जाओ यार, फ्रैंकलिन भी अपना बेचारा लगा पड़ा है, अरे क्या दिक्कत होगी भैया खड़ी कर दे, मज़ा आ रहा है क्या तेरे को चलाने में। तो ओके गाइज यहाँ पर मैंने अपनी दोनों गाड़ियाँ जो है पार्क कर दी है, और यहाँ पर जो यहाँ का मैनेजर है पीडीएम का, वो फिलहाल अभी ना लंच पर गया हुआ है, तो मेरे को थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा कार की डील करने के लिए। लेकिन सबसे मेन जो काम था अपनी गाड़ी यहाँ पर पहुँचानी थी वो हमने पहुँचा दिया। बस कार की सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे लोग रहते हैं, सारा अच्छा एरिया है। अब यहाँ पर वो भी चला गया फ्रैंकलिन अपने घर पर, तो अभी हमें चलना है अपने घर पर और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइज यार अभी ना एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, मतलब कि यार अभी भी मुझे एक बंदे का फ़ोन आया जो कि बता रहा है कि यार ट्रैवर को बेलास गैंग वाले उठा कर ले गए हैं। मतलब कि वो अपना बाहर घूम रहा था, मतलब कि माइकल के घर पर ही आ रहा था, और वो लोग माइकल के घर के बाहर माइकल को पकड़ने के लिए खड़े हो रखे थे, लेकिन उन्हें ट्रैवर दिख गया। अब भाई उन्हें ट्रैवर से ही बदला लेना, बेलास गैंग वाले यार वही लोग बंदे, मतलब कि जो गुंडे बदमाश नहीं होते उन्हीं कैटेगरी के, और वो जो बंदे हैं ना वो उसी बदमाश के नीचे काम करते हैं जो कि यार माइकल का दोस्त था। तो यहाँ पर अभी उसे पकड़ कर ले गए, मुझे पता है वो लोग अपने उसे अड्डे में ही ले गए होंगे। अब यहाँ पर फटाफट से मुझे यार गाड़ी चुरानी पड़ेगी, जल्दी बाहर निकल भाई बहुत जरूरी काम है। मतलब कि यार अभी मेरे को सबसे पहले बेलास गैंग के अड्डे में जाना है, पता नहीं उसे मार ना दे भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ जाएगी अगर वो मर गया, क्योंकि यार वो लोग मेरे को मारने के लिए ना उससे बदला जरूर लेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले बेलास गैंग जो है वो लोग यहाँ पर घूमते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक है बाकी उनका जो मेन अड्डा है ना जहाँ से सब लोग डरते हैं जाने से, मतलब कि उस अड्डे में ना कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं जाता भाई, वो सारे बदमाश हैं, चोरी चकारी का काम है, मतलब कि भाई मार कूट के सब छीन लेते हैं, तो वहाँ पर कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं जाता, और पुलिस वाले तक वहाँ पर जाने से डरते हैं। तो भी सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार भाई ट्रैवर को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, वरना वो लोग उसे मार देंगे भाई, बहुत खतरनाक बंदे हैं। तो ये देखो यही थोड़े बहुत उनके मेंबर, यहीं से देख लो कैसे झुंड बना बना कर खड़े हुए हैं। अगर ये लोग मेरे को देख लेंगे ना तो भाई मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई ये नहीं चाहते कि इनके अड्डे में कोई भी दूसरी गैंग का बदमाश है या फिर कोई भी दूसरा नॉर्मल बंदा है। तो ओके भाई साहब सामने चल रही है लड़ाई, वो भाई साहब ये रहे सारे बंदे, वो भाई क्या हो रहा है। अच्छा ट्रैवर ने भी, ओ भाई 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 ट्रैवर ने भी भाई बहुत बंदे मारे यहाँ पर, बेचारे ट्रैवर को मारे। अबे रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ट्रैवर का दोस्त आ गया, अब तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी सालो, तुम बेटा पहले घरों से गने तो लाओ, गोलीबाजी करोगे तुम हल्के बंद। अच्छा अच्छा मेरे से पंगा आ जा जा, ओ एमो इनियर, शिट शिट शिट, मेरी किसी भी गन में एमो इनियर, पिस्टल से काम चलाना पड़ेगा क्या भाई साहब। ओ भाई ये तो सारे कुल्हाड़ी उलाड़ी से मार रहे थे उसको भाई, बहुत ही गलत सीन हो चुका है। ओ मेरे को भी मारना शुरू कर दिया है भाई, कितने बंदे हैं यहाँ, अभी भी कम बंदे नहीं है कोई। ओ शिट मेरे मुक्का मारेगा बेटा, रुक जा, मेरे को मारोगे तुम भाई साहब। ट्रैवर को क्या हो गया भाई, उसके सर्वर पे लग गई है कुछ, उसने हथौड़ी हथौड़ी मार दी उसको, अलग ही चक्कर से आ रहे हैं। रुक जा भाई ट्रैवर, मैं तेरे को बचाऊंगा, टेंशन मत ले, बहुत सारे बंदों को तो मैंने मार दिया है। अभी यहाँ पर और कोई भी बचा है क्या, कोई गोली भी चला रहा था ना, अभी इनकी औकात दिखाता हूँ मैं भाई। पूरी की पूरी बेलास गैंग से पंगा हो गया भाई साहब, कितने बंदे थे इनको मार दिया, लेकिन ये इनकी इतनी बड़ी गैंग नहीं है। ओ शिट इनकी गैंग में भाई मैं बता रहा हूँ कम से कम 15-20 हज़ार बंदे होंगे आराम से, ज़्यादा बोल दिया। वैसे अगर देखा जाए ना 5-6 हज़ार बंदे तो इनकी गैंग में है, जो कि अभी भाग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बंदों की तो रेल बना ही दिया लगभग भाई। मतलब कि यार ऐसी मार दोगे तुम ट्रैवर को, तो भाई साहब वैसे से ट्रैवर को तो यार इन्होंने बहुत ही बुरी तरह मारा, और ये फिर आ गए, और बंदे बुलाओगे बेटा तुम, किसी को भी बुला लो, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अच्छा अच्छा गोलियाँ चलाओगे अब गोली पे, अभी तक ट्रैवर को मुक्के लातों से मार रहे थे, अब गोलियों पर आ गए भाई, ये तो बहुत बड़ी गैंग है। वो कुत्ता भी आ गया, ओए किसने कुत्ता पाल रखा ये भाई, यार ये बहुत खतरनाक सीन है, यहाँ से भागना। ओए ये कुत्ता किसका है भाई, ये तो खा जाएगा मेरे को। अरे 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 भागना पड़ेगा भाई, ट्रैवर ट्रैवर साइड निकल ले वरना मौत हो जाएगी। ओके ट्रैवर तो अपना साइड हो गया है, मुझे भी साइड होना पड़ेगा भाई, बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं लोग। मतलब कि यार इनकी गैंग में लगभग यार 15-20 हज़ार बंदे आराम से होंगे मेरे हिसाब से भाई, कितने कुत्ते पाल रखे हैं इन्होंने। अभी तो ट्रैवर के पास गन नहीं है, पता है सीन इन्होंने क्या करा, ट्रैवर पे गन नहीं थी तब उसे पकड़ा, अगर ट्रैवर पे गन होती ना तो इनके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि ट्रैवर से पंगा ले ले भाई, वो बहुत खतरनाक किस्म का बंदा है। तो भाई यहाँ पर मैंने ये जो ब्लैक कलर का बंदा भाग कर जा रहा है ना, मतलब मैंने इस बंदे से बात कर ली है, अब मैंने इस बंदे को साफ बोला है, मैंने कहा तेरे को जितने पैसे चाहिए मेरे से ले लियो बाद में, लेकिन अभी जो तुम्हारा हेड है, मतलब कि जो माइकल का दोस्त है वही इन सब का हेड है सारे बदमाशों का, तो मैंने साफ बोला है कि मेरे को बस उसकी लोकेशन दे जैसे तैसे। तो मैंने सोचा ना आज उसको जो है मार कर ख़त्म ही कर देता, देख लो भाई ये जो ब्लैक वाली कार जा रही है ना, हमें इसका पीछा करना है, और बाकी किसी को भी पता नहीं लगने देना। बाकी ये जो बंदा है ना ये सब इनसे भी थोड़ा सा ऊपर है, समझ लो इनका भी जो है हेड है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा ग्रीन लाइट
फाइट हो रखी है, ये लोग रुक के हो रखे हैं, तो फटाफट अभी इसका पीछा करना है और मुझे देखना है वहां पर सीन क्या है। ये कह रहा है कि जो इनका मालिक है ना वो एक मतलब कि प्राइवेट बीच पर गया हुआ अपना चिल विल करने, क्योंकि वो परेशान हो गया था, उसके घर में चोरी वोरी हो गई थी, गाड़ी वाड़ी उसकी लड़ाई भी चल रही है माइकल से, तो इसीलिए वो थोड़ी देर आज चिल करने गया हुआ था प्राइवेट बीच पर। तो भाई अभी अपना पूरा प्लान है माइक, और मैं ड्राइवर को भी साथ ले जा रहा हूँ बता दूँ, तो भाई आप अभी अपना पूरा प्लान है वहां पर जितने भी बंदे हैं मतलब कि क्या पता सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यार बहुत बड़ा आदमी है वो, तो उसको वहीं पर जाकर आज उसे खत्म कर देंगे ताकि हमारी जितनी भी लड़ाई है सारा मैटर जो है सारा सोल्व हो जाए। तो बाकी ये देखो, इसको देखो, मतलब कि यार गाड़ी में सच्ची में यार बहुत ट्रैफिक लगा रखा है यार आजकल इन्होंने लॉस सैंटोस में। भाई ये देख लो भाई कैसे ट्रैफिक लगा हुआ, भर के ग्रीन लाइट में ये लोग गाड़ी नहीं चला रहे। अगर मैं होता ना इसकी जगह तो अभी तक मैं दो बार ही पहुंच जाता। तो भाई अब बस ना टेंशन की एक ही बात है कि ये जो बंदा है ना बस ये एकदम सच बोल रहा हो, बाकी तो मैंने इसको बोला तेरे को जितना पैसा चाहिए तो मेरे से ले लियो, बस मुझे वहाँ पर छोड़ दे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये बंदा हमें झूठ बोल रहा था और वहाँ पर जाके बहुत सारे बदमाश होंगे तो भाई अपनी बहुत गदर पिटाई हो जाएगी, तो यहाँ से हमें राइट लेना है। भाई कह तो सच रहा है, कह रहा है भाई वो प्राइवेट बीच पर पार्टी कर रहा है आज, तो बस हमें वहाँ पर जाकर मारना है। भाई इनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है भाई जितने भी गुंडे बदमाश होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये ले आया, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर चलकर। बाकी यार बेलास गैंग वालों से ना मुझे भी काफ़ी डर लगता है, मुझे क्या यार पुलिस वालों को भी लगता है, पूरे लॉस सैंटोस को इनसे डर लगता है। तो ओके गाइस, इस बंदे ने अपनी गाड़ी जो है यहीं पर लेफ्ट में टिका ली और शायद से इशारा करना चाहता है कि जो इनका बॉस है वो शायद से लेफ्ट में कहीं है। अब इसने कहा था वो प्राइवेट बीच में, तो बीच तो एकदम पानी के पास हम आ चुके हैं, तो शायद सच ही बोल रहा था। ओ भाई भाई क्या सिक्योरिटी है, मतलब कि यार यहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी देख पा रहे हो, कितने सारे तो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, मतलब कि यार यहाँ पर हम इस तरीके से तो कोई रिस्क नहीं ले सकते वरना यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई बहुत खतरनाक बंदे हैं और यहाँ पर एक तो ड्राइवर भी खून वन वाली हालत में, तो भैया इसे तो देख के ही मारने लग जाएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, इसको शक हो जाएगा। तो भी एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा उस बंदे को मारने के लिए। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी जो यहाँ पर मैं पार्क कर देता हूँ और देखते हैं क्या सीन है, जो बंदा है कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये जो बीच है इतना छोटा नहीं है लॉस सैंटोस का, बहुत बड़ा और यहाँ पर पुलिस वुलिस का भी बहुत खतरा है। तो भाई अभी भी किसी भी बात की देरी नहीं करनी है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ और ये जो जितने भी बॉडीगार्ड एंट्रेंस पर खड़े हैं ना इनके ऊपर एक ग्रेनेड डाल देता हूँ ताकि सारा कलेश ही खत्म हो जाए एंट्रेंस का। बस यहाँ पर ये नेट जो है काफी पास ही रह गया और यहाँ पर बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए हैं, लेकिन भाई साहब मैंने तबाही तो कर दी है, तबाही शुरू हो चुकी है। भाई तुमने माइकल से बहुत गलत पंगा लिया, माइकल भाई जो तुम्हारा बॉस है ना उनका बाप है, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुम्हारी औकात, रुक जाओ। इसकी तो मैंने पूरी की पूरी लिमोजिन फोड़ दी और सारी की सारी गाड़ी जला दूंगा, रुक जाओ बेटा आ जाओ। भाई ड्राइवर बस मेरे साथ रहे, ड्राइवर तू चोड़ में मत चल, गन निकाल ले बाहर, पहली बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड तो नशे में खड़े हुए हैं अपना फुल, ओके तो अभी मैं काफ़ी छुप चुका हूँ भाई वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे चलकर देखते हैं पुलिस वुलिस ना आ जाए, पुलिस का भी बहुत खतरा है। ओके मेरे को मारेगा बेटा, इधर 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 पीछे देखो, पीछे तो देखो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जाओ बेटा, जिसको आना आ जाओ। कितने बॉडी गार्ड हो तुम मेरे को, ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ड्राइवर बहुत ध्यान से अभी बहुत ध्यान से। तो मेरे पास अभी बस एक ही आइडिया है, जो मैं रॉकेट लॉन्चर खरीद के लाया ना इसको यूज़ करते हैं, सारे के सारे रॉकेट लॉन्चर वहीं पर मारूंगा ताकि बंदों को हम वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मार दूंगा। रुक जाओ, जितने भी रॉकेट लॉन्चर है ना बेटा ले, तेरी पूरी की पूरी बिरादरी खत्म कर दूंगा मैं यहीं से। मतलब कि इतने सारे बदमाश किस बात पर लाया तुम मेरे को पहले ये बताओ, इतने बदमाश लाओगे हैं, इतने सारे बदमाश क्या करना है तुम्हें आज बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। इतने सारे बदमाश थे, सबको हमने रॉकेट लॉन्चर से ही ले लिया। चल भाई ड्राइवर आ जा मेरे पीछे, यहाँ पर हम आज एक बंदे को भी नहीं छोड़ने वाले। ओके तो यार काफ़ी आग लग गई है, लेकिन यार हमें आग को बुझाना कैसे, चलो साइड साइड से निकलते हैं। ओके तो साइड से मैं आ गया हूँ और यहाँ पर भाई साहब अच्छा हुआ रॉकेट लॉन्चर्स थे मेरे पास, मैंने और सबको मार दिया लगभग। और यहाँ पर कुछ बंदे यहाँ पर और भी लगे पड़े। ओके तो सामने ये बंदा है, ओए ओए हेलो हेलो इधर देखो, लो पहली फुर्सत में। ओके तो यहाँ पर अभी भी गोलियाँ चल रही है। ओके तो ये अच्छा 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 तो ये लेडीज थी उस बंदे के साथ, तो वो बंदा भी क्या कर रहा है मेरे को देखना है। जो माइकल का दोस्त है उसको हम ऐसे नहीं मारेंगे, उसकी रेल बनाएंगे। भाई रुक जाओ, ओके बैठे यहाँ क्या कर रहे हो, रुक जाओ मैडम जी निकल लो यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ, डरो मत निकलो यहाँ से। ओके तो यहाँ पर ये बंदा तो भाई इस टाइम फुल नशे में है और यही माइकल का दोस्त है, अभी इसकी हेकड़ी बाहर करेंगे। रुक जाओ बेटा मैं तेरे को बताऊंगा, यहाँ पर और कोई बदमाश उदमाश तो नहीं है ना। ओके तो लगभग सबको ही मार दिया भाई यहाँ पर हमने, और ड्राइवर ने मैंने और ड्राइवर ने भाई लगभग सबको ही निपटा दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, अब इस बंदे का क्या करना है रुक जाओ, मेरे को वो देखना पड़ेगा। इधर आ भाई इधर आ, तेरी भैंस की टांग, तू बहुत चौड़ा हो रहा था ना। हाँ ओके तो भाई इस टाइम ये बेचारा खड़े होने की हालत में भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नशा हो रखा है इसे, इसको भी पता भी नहीं है इसके सामने कौन खड़ा है, माइकल खड़ा है कौन खड़ा है। अब यहाँ पर मैं एक बार ना गन से डराने की कोशिश करता हूँ। ओके वो इधर देख, हेलो
तो ओके भाई, अभी मैंने सीधा इसके मत्थे पे गोली रख दी और मैंने इसे साफ बोल दिया कि भैया तूने एग्जाम्पल तो देख ही लिया होगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो बेटा तेरा भी यही हाल होने वाला। तो मैंने इसे साफ बोल दिया चुपचाप मेरे साथ चल ले, अब जो मुझे काम होगा वो तेरे को करना पड़ेगा, तो फटाफट मेरे पीछे आ जा भाई। अब यहाँ पर इसे मैंने साफ बोल दिया भैया अगर कोई भी इसने गड़बड़ करी, कोई भी चलाकी करी, किसी को कुछ बोला तो भाई मैं साफ इसको यहीं का यहीं सीधा दफना दूंगा, यहीं पर मार दूंगा, जल्दी आ जा भाग के वरना बहुत पिटने वाला है। तो भाई इस बंदे को मैं ना अभी मारूंगा नहीं, क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा काम का बंदा है ना, अगर हमने इसको अपने नीचे काम करवाया तो भाई आधा का आधा लॉस सैंटोस के जितने भी बदमाश हैं वो हमारे नीचे हो जाएंगे। और इस बंदे को अभी हम किडनैप करके ले जा रहे हैं, उसको अपने नीचे काम करवाएंगे ताकि जितने भी बदमाश हैं सब अपने नीचे हो जाए और ये भी अपने नीचे ही हो गया। अब तो फटाफट बेटा शांति से चले, क्योंकि मैंने साफ बोल दिया अगर ये हमें फॉलो नहीं करेगा तो मैं जिंदा यहीं के यहीं मार दूंगा, मतलब ड्राइवर से मरवा दूंगा। चल भाई ड्राइवर अभी तू मेरे साथ चल। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या करना चाहिए, किस घर पर ले जाना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करना है। बस ये पीछे बैठा है, कोई चलाकी करने की ना कोशिश करे। भाई साहब इसने एक सेकंड के अंदर पुलिस को कॉल लगा दी, भाई ये क्या गलत सीन है, मतलब कि यार ये पीछे बैठा ही तो और इसने पुलिस को कॉल भी लगा दी, भाई ये क्या तेज बंदा है यार, ये पिटेगा भैया इसको घर ले चलो, चलती गाड़ी से तो उतर नहीं सकता, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड कम हुई ना तो ये चलती गाड़ी से कूद जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। बेटा अब नहीं बचने वाला तो मैं तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं अब। भाई ये बंदा यार कितने तेज दिमाग का है, मतलब कि जान मुझ के पीछे जाकर बैठा और इसने बैठते ही चुपचाप से पुलिस वाले को कॉल लगा दिया और यार पुलिस वाले आ भी गए, मतलब यार इसने ना शायद बहुत पहले ही कॉल कर दिया था और ये हमें ना एक्टिंग कर दिखा रहा था कि ये नशे में है। भाई यार मतलब क्या अलग ही लेवल का बंदा, फट ओ भाई यार पुलिस वाले भी एकदम भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे तो लग रहा है। फटाफट हमें कोई ना कोई सीक्रेट जगह ढूंढनी पड़ेगी, फिलहाल मैंने मैप में एक सीक्रेट लोकेशन मार्क करी है, अब जैसे तैसे कर हमें वहाँ पर पहुँचना है वरना यार पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे और ये बंदा तो बच जाएगा और हमें जो जेल होने वाले हैं ना भाई बहुत तगड़ी है। मैंने सोचा था कि यार माइकल अब एक न्यू लाइफ शुरू करेगा, लेकिन अभी जो पंगे चल रहे हैं ना इनकी वजह से कोई न्यू लाइफ शुरू नहीं हो पाएगी। पहले मैं सोच रहा था कि यार सारा का सारा मैटर खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही आइडिया आ गया। अभी तो फिलहाल इस बंदे को हमने पूरा किडनैप कर रखा है, बस पुलिस वालों से पीछे छुड़ाना, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। खैर यहाँ पर भी मैं एक पार्किंग के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर शायद से पुलिस वाले ना आए, अगर हम यहीं पर थोड़ी देर बैठेंगे तो शायद पुलिस वाले हमारा पीछे छोड़ देंगे। तो चलो यार थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं, अभी जो बैंक मैनेजर है ना अगर ये उतर के भगा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। फिलहाल मैंने सारे गेट जो है लॉक कर दिए, उतर ही नहीं पाएगा। तो ओके गाइस अभी पुलिस जा चुकी है और मेरे को इसकी बैंड बजानी है। इधर आ बेटा, तूने किससे पूछ के पुलिस वाले को कॉल करा है, इसको मैंने बोला था शांति से हमारे पीछे ले, कोई चलाकी नहीं करनी। इधर देख किससे पूछ के पुलिस वाले को कॉल करा भाई, जल्दी बता। तो भाई अभी ना मेरे को इसको थोड़ी सा सबक सिखाना पड़ेगा कि अगर इसने पुलिस वाले को कॉल करा तो इसका ये हाल हो रहा है, अगर ये आगे से कोई और चलाकी करेगा तो उसे और मारा जाएगा। अगर अभी मैंने इसे नीड डराया ना तो भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चलाकियाँ कर सकता है, तो आज इसका मैं थोड़ा ना मुंह तोड़ूंगा, जिंदा नहीं मारूंगा इसे, बहुत काम का बंदा है। इधर देख पीछे, किससे पूछकर पुलिस वाले को कॉल करा तूने, है बे ज़्यादा बदमाश बनेगा हमसे, तेरी पूरी की पूरी गैंग मैं एक सेकंड में लपेट सकता हूँ, समझ रहे भाई। उस टाइम तो मेरे पे ज़्यादा गन वन नहीं थी इसलिए सारा काम मैंने ड्राइवर से करवाया। बाकी इधर है तूने भाई, इसने आज बंदे भी भेजे थे ड्राइवर को मारने के लिए, वही ड्राइवर को पकड़ कर ले गया, उठ उठ इसे बहुत मारूंगा आज मैं। तूने बेटा पुलिस वालों को बुलाना, बुला पुलिस वालों को, बुला पुलिस वालों को बुला। तो अब तू बस मेरी गाड़ी में, अब हम यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। तो मतलब कि यार कुछ ज़्यादा ही बदमाश बन रहा है, देख लो एकदम अभी पूरा चल फिर पा रहा है ना, इसकी ऐसी हालत कर दूंगा ना चल भी नहीं पाएगा। बेटा बैठ जा गाड़ी में, अभी मैं तेरा पूरा का पूरा मुंह तोड़ूंगा, घर पर ले चल के ना इसे एकदम कैद कर देंगे। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को इसे फ्रैंकलिन के घर पर ले आना चाहिए, क्योंकि माइकल के घर पे तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि माइकल के घर पर सब बंदे जान चुके हैं माइकल का घर कौन सा है, और यहाँ पर इसके जो बंदे हैं मतलब कि इसके भी जो कोई ऊपर काम करता होगा इसे छुड़वाने तो भेजे गए बंदे। तो अभी हमें ना थोड़े टाइम के लिए एकदम अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी हमारे पीछे आएगी। अब भाई इतना बड़ा आदमी है, पुलिस वालों की नज़रों में, बाकी दुनिया की नज़रों में ना बिजनेसमैन है, लेकिन मुझे पता है क्या काम कर करके आगे बढ़ा भाई, पूरा ड्रग डीलिंग स्मगलिंग उल्टे सीधे काम करके यहाँ पर पहुंचा है। फिलहाल पहले बिजनेसमैन था, अच्छा आदमी था, लेकिन अब मैं इसकी औकात दिखाता हूँ इसे। भाई इसने माइकल से पंगा लेके गलत कर दिया, आज मैंने सोचा था कि यार हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन इसने ड्राइवर को जो पकड़ा ना भाई मेरा तो मत्था ही खराब हो गया। तो खैर यार अभी इस बंदे को हम भाई गाड़ी भगाते भगाते किसी एकदम सीक्रेट जगह पर ले आए जहाँ पर यार पुलिस के राउंड कम लगते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा इस बंदे के साथ हमें क्या करना चाहिए, फिलहाल के लिए मैं इस बंदे को ले जा रहा हूँ फ्रैंकलिन के घर पर, लेकिन अगर हम इसे वहाँ पर किडनैप कर रखेंगे ना तो भाई ये बंदा किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म कर देगा और भाई फ्रैंकलिन भी इस लड़ाई में आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता फ्रैंकलिन इसमें आए, क्योंकि ड्राइवर और माइकल तो भैया आ चुके और इन दोनों को अपनी जान का खतरा है बहुत ज़्यादा, जो कि यार माइकल और ट्रेवर को कभी भी मरवा सकते हैं। तो यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बिल्कुल भी कि कोई हमारा दोस्त मरे। तो अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में सजेशन दे सकते हो कि हमें इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए। किडनैप तो हमने इसे कर लिया है, लेकिन क्या करें इसके साथ कि हमें पूरी प्रॉपर्टी दे दे और ऐसा सीन हो जाए कि भैया इस ये अगर अटैक भी करवाना चाहे ना तो जो सामने वाले बंदे वो हम पे अटैक ना करे। तो मैं तो सोच रहा हूँ भैया हम इसको ऐसा रखेंगे ना जहाँ इसने चलाकी करी वहीं से मार देंगे। तो चलो यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 1 लाख लाइक
के लिए, मतलब कि इतना बड़ा एम जो है मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो प्लीज यार कंप्लीट कर देना। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।